हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम भर्ती 2022 सीएचओ ऑफिसर की फ्रेंड्स में पोस्ट निकली है। इसे 5500 में फ्रेंड्स से पोस्ट दिए हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है फ्रेंड्स, जो 2021 में इसका पेपर हुआ था। इसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये यूपी एनएचएम सीएचओ का सॉल्व ईयर पेपर है फ्रेंड, जो 2021 में हुआ था। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्ट बाय फ्रेंड 1 से 8 तक सारे क्वेश्चन दिए हैं। इसमें मिड वाइफरी का फ्रेंड्स पहले दिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन विंट्रो फर्टिलाइजेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड। ओवम को महिला के शरीर के बाहर शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि कौन सा मूल्यांकन यह इंगित करता है कि महिला को वार्षिक प्रसव पीड़ा हो रही है। इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट है। एंड थर्ड पॉइंट दिया, मद्रास प्रेसिडेंसी ने किस वर्ष प्रसव के दौरान सेवा हेतु पंजीकृत दाई की भर्ती को बढ़ावा मद्रास नर्स और मिडवाइस अधिनियम लागू किया है। उसका राइट आंसर फ्रेंड 1926 है। एंड फोर्थ पॉइंट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल उथले और खुली आदि विशेषताओं वाले पेल्विक सेव्ड सामान प्रकार है। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है, गायनोकॉर्ड पेल्विस। एंड फिफ्थ पॉइंट में दिया है, अशोधित जन्म दर किस की गणना की जाती है। इसका ऑप्शन सी है, कुल जनसंख्या के एक को एक वर्ष में होने वाले जन्मों की संख्या से विभाजित करके। एंड सिक्स पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति या परामर्शदाता द्वारा किस प्रकार का परामर्श दिया जाता है जो अभिगम और समझदार तो हो तो लेकिन पेशेवर रूप से अर्ह ना हो। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, इनफॉर्मल काउंसलिंग। एंड सेवन्थ पॉइंट में दिया है कि किसी महिला के प्रजननी वर्षों की समाप्ति पर मासिक धर्म चक्र के बंद होने को कहा जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। एंड एट्थ पॉइंट में दिया है, जब आप गर्भवती महिला को कीगल व्यायाम करने की सीख दे रहे हैं तो आप यह किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, श्रोणि पेशी को अधिक सुगठित करने के लिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें क्वेश्चन दिया है, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, किसी एजेंसी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास मौजूद सामुदायिक मूल्यांकन टूल्स का उपयोग बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु के बारे में वैध जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सेकेंड है, समुदाय। एंड सेकेंड पॉइंट में दिया है, WHO का COVID-19 टीकों की गुणवत्ता सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करता है। यह सूची कोवैक्स COVID-19 टीकों की संयोजित खरीद और सामान वितरण हेतु वैश्विक जोखिम साझाकरण तंत्र आपूर्ति के लिए पूर्वाकांक्षित है। इसका राइट आंसर फ्रंट थर्ड दिया, इसमें आपातकालीन उपयोग सूचीकरण। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष पारित किया गया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड 2005 है। एंड फोर्थ पॉइंट में दिया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में यह कल्याण पर जोर दिया जाता है, सकारात्मक स्वास्थ्य या कल्याण पर जोर दिया जाता है। एंड फिफ्थ पॉइंट में दिया है, संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्षणों में से कौन सा लक्ष्य स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। इसका आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है, तीसरा लक्ष्य।
एंड 6 पॉइंट में है कि निम्न में से कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषता है। इसका फोर्थ आंसर है फ्रेंड जनसंख्या उन्मुख। सेवेंथ में दिया है कि सामुदायिक सदस्यों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम की स्थापना की दिशा में पहला कदम है कम्युनिटी डायग्नोसिस। एट्थ पॉइंट है कि शिशु के जन्म के पंजीकरण हेतु कितनी समय सीमा निर्धारित की गई है 21। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से इसमें क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा है। फर्स्ट पॉइंट है कि भारत में निम्न में से कौन सा मंत्रालय एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की निगरानी हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। एंड सेकंड पॉइंट में दिया है कि गर्भावधि के 37 सप्ताह की समाप्ति से पहले जन्म लेने वाले और अंतर्गर्भाशय विकास की सामान्य दर वाले शिशुओं को क्या कहते हैं, प्री टर्म बेबी कहते हैं फ्रेंड, जो 37 वीक से पहले ही बर्थ हो जाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट में दिया है नवजात शब्द किस अवधि तक के शिशुओं पर लागू होता है। इसका राइट आंसर यही है जन्म के 7 दिन तक। फोर्थ पॉइंट है निम्न में से कौन सा लाल रक्त कणिकाओं का विकार है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सेकेंड है। एंड फिफ्थ पॉइंट में दिया है कि जब किसी शिशु का इलाज किया जाता है और यदि कार्डियक मसाज के बाद भी उसकी हृदय गति 80 बीट पर मिनट से कम रहती है तो उसे निम्न में से कौन सी औषधि दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है। सिक्स पॉइंट में है कि निम्न में से कौन सा जापानी इंसेफ्लाइटिस का मुख्य कारण है। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है। सेवन्थ में है कि शिशु 7 पॉइंट दिया है शिशु मृत्यु दर की आयु वाले बच्चों की मृत्यु की संख्या क्या है प्रति 1000 जीव जन्मे शिशु में से 0 से 1 वर्ष तक। एट्थ पॉइंट है पोलियो एक अत्यधिक संक्रमण रोग है जो किसके कारण से होता है। इसका आंसर फ्रेंड फर्स्ट दिया मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से इसमें क्वेश्चन दिए फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प अचेतन वस्तु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है। इसका आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है पेन पेंसिल नीलल या रुमाल जैसी निर्जीव वस्तु जो संक्रमण फैलने में मदद करती है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन दिए फ्रेंड जो 2021 से पूछे गए थे सोलिया पेपर है फ्रेंड। सेकंड पॉइंट दिया है साइनस वेनरम और अलिन उचित रूप से नामक पेशी कटक पर मिलते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है। एंड थर्ड पॉइंट में दिया है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में इनमें से कौन सा सफाई की प्रक्रिया के पहले चरण में शामिल होता है। इसका आंसर ए है सभी अयोग्य सामग्री जैसे मिट्टी या जैविक सामग्री का निष्कर्षण। फोर्थ पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सा जंतु कोशिका का भाग नहीं है। इसका आंसर फ्रेंड फोर्थ दिया है कोशिका भित्ति। फिफ्थ में दिया है कि प्लाज्मा से बना होता है रक्त प्लाज्मा किससे बना होता है फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर फोर्थ है प्रोटीन जल और लवण से प्लाज्मा प्रोटीन बना होता है। एंड सिक्स पॉइंट दिया हृदय के आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम। एंड सेवन्थ पॉइंट में दिया है वुंड की देखभाल की प्रक्रिया में हाथ धोना क्यों एक महत्वपूर्ण चरण है क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने के लिए। एंड एट्थ पॉइंट में दिया है नोजोकोमल इन्फेक्शन नामक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड जीवाणु नोजोकोमल इन्फेक्शन है फ्रेंड्स ये हॉस्पिटल में होता है। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनवायरमेंटल हाइजीन से क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य एवं कल्याण का पैमाना नहीं है। इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड दिया एनवायरमेंटल फिटनेस। एंड सेकेंड पॉइंट है 1 सितंबर 2021 मिड डे मील योजना के अनुसार उच्च प्राथमिक वर्ग
छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों को संतुलित और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए सब्जियों की अनुमूल मात्रा कितनी है? इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है 75 ग्राम। थर्ड पॉइंट है कैंसर कारक कर्मकों को कहा जाता है कैंसरकारी। फोर्थ पॉइंट है निम्न में से किस पोषक तत्वों को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है? फ्रेंड्स का आंसर दिया है कि प्रोटीन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन से कारक मग पान ध्रुपान मादक द्रव्यों के सेवन तंबाकू चबाने या अनियमित भोजन आदतों की ओर झुकाव संबंधी प्रभाव उत्पन्न करते हैं जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बिहेवियरल है। एंड सिक्स पॉइंट में दिया है किसी की शारीरिक विशेषताओं को विकसित करने में निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है वंशांगति। एंड सेवन्थ पॉइंट है बच्चों के लिए दूध को सबसे अच्छा और संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है? क्योंकि यह प्रोटीन वसा विटामिन ए और कैल्शियम का समृद्ध हो स्रोत है। एट्थ पॉइंट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य के निम्न में से किस पहलू पर ध्यान देकर कोई व्यक्ति जीवन के नियमित तनाव का सामना कर सकता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है मानसिक स्वास्थ्य। फ्रेंड नेक्स्ट दिया पॉइंट मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन सा हमारी स्वव्यवहार को सुव्यवस्थित और निरीक्षण करने की क्षमता को दर्शाता है? इसका आंसर फ्रेंड फर्स्ट है आत्मनियमन। एंड सेकंड पॉइंट में दिया है किसी व्यक्ति का वह स्वरूप जो उसे सामाजिक या संस्कृति समूह से उसके से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सोशल आइडेंटिटी है। एंड थर्ड पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सी असंगठित प्रकार की मनोविदलता की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? इसका राइट आंसर फ्रेंड सेकंड है। एंड फोर्थ पॉइंट में दिया है निम्न में से किसमें पुनर्वर्ती एंजाइटी अटैक होते हैं जिसमें व्यक्ति को अत्यधिक भय का अनुभव होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड पैनिक डिसऑर्डर है। एंड फिफ्थ पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सा मनोविदलता के नकारात्मक लक्षणों का उदाहरण है? इसका आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है विचार भावना और व्यवहार की कमी। एंड सिक्स पॉइंट है साइकोयूरोलॉजी मन मस्तिष्क और के बीच की कड़ियों पर केंद्रित होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड है प्रतिरक्षा तंत्र। सेवेंथ पॉइंट है निम्न में से कौन सा ब्रह्म रूप से प्रेरित होता है और अन्य लोगों के साथ हमारे पारस्परिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है? इसका आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है सामाजिक तनाव। एंड एट्थ पॉइंट है HJ Eastnick ने प्रस्तावित किया था कि किसी व्यक्ति को व्यापक आयामों तक कम किया जा सकता है? इसका आंसर फ्रेंड फोर्थ दिया है दो। न्यूट्रिशन से फ्रेंड्स में क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है कि इनमें से कौन सा आयु वर्ग रक्तअल्पता की रोकथाम हम करने संबंधी उपाय करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है किशोरावस्था। एंड सेकंड पॉइंट में दिया है फ्रेंड वह प्रक्रिया जिसमें पचा हुआ भोजन अंतर्भित्ति की रक्त वाहिकाओं में जा सकता है कहलाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए दिया है। एंड थर्ड पॉइंट में दिया है फास्ट फूड की पोषण संबंधी सीमाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट है बहुत सारे भोजन संयोजनों में वसा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत बहुत कम होता है। फोर्थ पॉइंट है में मौजूद पाचन रस प्रोटीन
को सरल पदार्थों में तोड़ता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है अमाशय। फिफ्थ पॉइंट में दिया है एसोफेगस द्वारा भोजन अमाशय में जाने के बाद या फिर में जाता है, जहां खंडीकरण के माध्यम से इसका भौतिक पाचन होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सेकंड है छोटी आंत। सिक्स पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सा जर्नल खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन और साथ ही टेलीविजन देखने, वीडियो गेम खेलने और व्यायाम करने में व्यतीत होने वाले समय का दैनिक या साप्ताहिक लॉग रखने में मदद करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ दिया है आहार जर्नल। एंड सेवेंथ पॉइंट है निम्न में से कौन सा तत्व संजीवों में सर्वाधिक व्याप्त तत्व है, नाइट्रोजन। एंड एट्थ पॉइंट है क्लोरोफिल की वलय संरचना का निम्न में से कौन सा घटक राइबोसोम रचना को बनाए रखने में मदद करता है, मैग्नीशियम। फर्स्ट एड से फ्रेंड्स में क्वेश्चन दिए हैं, इसमें फर्स्ट दिया है अक्सर बच्चों में होने वाला अपूर्ण फ्रैक्चर जिसमें हड्डी मुड़ जाती है उसे क्या कहते हैं, ग्रीक स्टिक फ्रैक्चर। एंड सेकंड पॉइंट है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। एंड थर्ड पॉइंट है गुम चोट किस प्रकार की चोट है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। फोर्थ पॉइंट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य नहीं है, घायल को वेंटिलेटर पर रखना। फिफ्थ पॉइंट में दिया है 3 वर्ष की आयु के एक बच्चे के साथ एक बच्चे के हाथ और पैर पर गर्म चाय गिर जाने के कारण जलने का घाव हो गया, घर में दुर्घटना के तुरंत बाद आप इस शिशु की किस तरह से देखभाल करेंगे। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ दिया है जले हुए भाग पर ठंडे पानी का प्रवाह करना। सिक्स पॉइंट है किसी वस्तु के पहने सिरे से कटने से उत्पन्न त्वचा की चोट कहलाती है, इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट है। एंड सेवन्थ पॉइंट है जब शरीर का तापमान से कम होता है तो हाइपोथर्मिया विकसित होता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड 35 डिग्री सेल्सियस। एट्थ पॉइंट है ORS का पूर्ण रूप क्या है, इसका आंसर फ्रेंड ए दिया है, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सा कोशिका ब्रह्म आघात्री द्वारा बाहर से सुरक्षित कोशिका द्रव की सीमा बनाता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड दिया प्लाज्मा झिल्ली। सेकंड पॉइंट दिया मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों में उनके जीवन के दौरान दांतों को 2 सेट बनते हैं, पहला अस्थायी दूध के दांतों या पाती दांतों के सेट जिसके स्थान पर बाद में स्थायी या वयस्क दांतों का सेट आ जाता है, इस प्रकार के डेंटेशन को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट दिया है। एंड थर्ड पॉइंट है प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी में एक कोटर में अंतः स्थापित होता है, इस प्रकार के संलग्नता को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड सेकंड है। एंड फोर्थ पॉइंट है सेरेब्रम को भी कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। एंड फिफ्थ पॉइंट है गैस्ट्रो इसोफेगल में ग्रसनली के निकास को नियंत्रित करती है अमाशय। एंड सिक्स पॉइंट है परिधि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, इन भागों को दैहिक तंत्रिका तंत्र और दूसरे को स्वस्थ तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। सेवन्थ पॉइंट है मानव तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है जिसमें से एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र है। एंड एट्थ पॉइंट ऐसी स्थिति जिसमें भोजन ठीक से नहीं पचता है और पेट भरा हुआ महसूस होता है उसे इनडाइजेशन कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्ड मैनेजमेंट से फ्रेंड्स में क्वेश्चन है, फर्स्ट है स्वास्थ्य जनशक्ति नियोजन उत्पादन और प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 1985 में। सेकेंड है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं में
GDA पद का पूर्ण रूप क्या है? जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। थर्ड पॉइंट, निम्न में से कौन सा संचारी रोगों में संचरण का प्रत्यक्ष माध्यम नहीं है? डायरेक्ट इन्फेक्शन। फोर्थ पॉइंट है, निम्न में से किस प्रकार के स्ट्रक्चर को मध्य से मोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स फर्स्ट दिया है। फिफ्थ पॉइंट है, नर्सिंग की किस पद्धति में नर्स से रोगी के को पूर्ण नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है? रोगी पद्धति। सिक्स पॉइंट है, निम्न में से किस प्रकार की प्रयोगशालाएं रक्त संबंधी जांचों के लिए उत्तरदायी होती है? हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी। सेवन्थ पॉइंट है, नोट्स ऑन नर्सिंग व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एट्थ पॉइंट है, एनएम का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर फ्रेंड सेकेंड है। एंड फ्रेंड्स में 1 से 20 तक क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इसमें एक फर्स्ट पॉइंट है कि एक बॉलीवुड फिल्म के 15 कास्टिंग निर्देशकों के समूह में से क्रमांशः 18 वर्ष, 19 वर्ष एंड 17 वर्ष और 15 वर्ष आयु वाले 4 निर्देशकों को हटाकर उनके स्थान पर 4 नए निर्देशकों को शामिल करने पर समूह की औसत आयु में 4 माह की वृद्धि होती है। नए शामिल हुए निर्देशकों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स सॉल्व करें और इसमें इसका आंसर सेकंड 18 वर्ष 6 माह। सेकंड में दिया है कि एक कोर माइक्रोप्रोसेसर में स्वतंत्र एग्जीक्यूशन यूनिट होते हैं। फोर्थ इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ दिया है। सिक्स थर्ड पॉइंट है, किसी लैन के 2 खंडों को द्वारा संयोजित किया जा सकता है? इसका आंसर फ्रेंड सेकंड है। फोर्थ पॉइंट है कि स्थापना राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तैयार करने उसका प्रबंधन एवं संचालन करने के लिए की गई है? इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट दिया है भारत नेट। फिफ्थ पॉइंट में दिया कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ दिया है। सिक्स में दिया है कि सिक्स पॉइंट है, हमले में हमलावर अंतिक मेमोरी के ब्लॉक की सीमा के बाहर लिखने का प्रयास करता है ताकि वह डाटा करप्ट कर सके या दुर्भावपूर्ण कोड का निष्पादन कर सके। इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट दिया है। एंड सेवन्थ पॉइंट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्नवाच चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। इसका आंसर फ्रेंड 17 है। एंड एट्थ पॉइंट है, RA और R2 की औसत मासिका इतनी है फ्रेंड, एंड R2 और R3 की औसत मासिका इतनी है तथा RA फर्स्ट एंड R3 की औसत मासिक कितनी है, R2 की मासिका कितनी होगी? इसका राइट आंसर फ्रेंड सेकंड दिया है। एंड नाइन्थ पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आपात स्थितियों में उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाली प्रथम mRNA वैक्सीन है? इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है। टेंथ पॉइंट है, कंप्यूटर में सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस प्रोसेसर होता है। एंड इलेवेंथ पॉइंट है, गैर वन उपयोगों में लिए जाने वाले वनों की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण एवं पुनरुद्धार गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य वन विभाग का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट दिया है। इलेवेंथ पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु देही के जन्मे के लिए उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड बेसिलस रेडिसिकोला है। 13 पॉइंट है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 संगत हैं और 1 असंगत। असंगत का चयन कीजिए।
इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है। 14 पॉइंट है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड 57 दिया है। एंड 15 पॉइंट फ्रेंड से दिया है, इसका आंसर फ्रेंड फर्स्ट है। 16 पॉइंट है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर रहा, इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ है, फिनलैंड। 17 पॉइंट में फ्रेंड दिया है कि अमांडा को 720 किलोमीटर की यात्रा में 14 घंटे का समय लगता है। यदि वह 240 किलोमीटर की यात्रा टो ट्रक द्वारा और शेष यात्रा वैन द्वारा पूर्ण करती है, यदि वह 320 किलोमीटर की यात्रा टो ट्रक द्वारा और शेष यात्रा वैन द्वारा पूर्ण करती है तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो ट्रक और वैन की चालकों का अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका राइट आंसर फ्रेंड दिया है फर्स्ट। एंड 18 पॉइंट है। मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा जीवाणु तप्त मिट्टी और वर्षा होने पर एक विशेष गंध उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर फ्रेंड फोर्थ दिया है। एंड 19 पॉइंट है। यदि रोहन ने 120 प्रत्येक की दर पर 20 पुस्तकें, 150 प्रत्येक की दर पर 30 पुस्तकें और 100 प्रत्येक की दर से 15 पुस्तकें खरीदी तो प्रति पुस्तक औसत मूल्य क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका राइट आंसर फ्रेंड थर्ड दिया है। एंड 20 पॉइंट है। एक धावक 16 घंटे में अपनी दौड़ पूरी कर सकता है, यदि उसकी चाल में 1/5 वे हिस्से की कमी होती है तो वह उतने ही समय में 40 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकता है। आरंभ में धावक की चाल कितनी थी, इसका राइट आंसर फ्रेंड फर्स्ट दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे, फ्रेंड्स ये फर्स्ट सिप का पेपर दिया। अगर ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।